हालांकि ये पर्वत कहानी नहीं लिखती, और तारीफ कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं बोल रहा हूं इसीलिए जिंदा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तालियां हो तो जरा जोरदार हो कि दो लाइन जो भी सुने आप तो सुनिए ईमानदारी से। गीत, जिस गीत का आदेश आप सबने किया था, शायद इसमें आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप जिस गांव के बगल में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सच बोलना मना है। सही बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब मुकदमा लिख दिया जाएगा कोई नहीं जानता। सच बोलेंगे कब जेल चले जाएंगे कोई नहीं जानता। इस परिवेश में भी रहने देना, कम मत करना। इस परिवेश में भी रात को 12 बजे, दिन में 12 बजे जब आपका आदेश होता है, देश दुनिया के कोने कोने में जहां भी रहता हूं, खड़ा होकर के इनकलाब और अखिलेश यादव जिंदाबाद करता हूं। केवल आपके आशीर्वाद और आपके साहस के बदौलत करता हूं साहब। हम नहीं कहने आया हूं कि यहां आप राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर किसी के खिलाफ बोलिए, लेकिन मैं तो आपके बीच में केवल यह कहने आया हूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आग आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में ही सही, अगर हो कहीं भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। इस सवाल पर मैं आपके बीच में आया हूं। जब आपने आदेश दिया, हाथ जोड़ रहा हूं, केवल 2 से 3 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। 10 मार्च सन 2022 को उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, और पूरे दुनिया की नजर इस 10 मार्च 2022 पर थी कि रिजल्ट क्या आएगा, सरकार बदलेगी या सरकार जाएगी। सुबह से टेलीविजन पर आप भी बैठे थे और सुबह से टेलीविजन पर मैं भी बैठा था। छोड़ दीजिए इस बात को। दिसंबर 2021 में आपके गांव के सड़क के किनारे सुबह 4 बजे भोर में, दिसंबर 2021 में आपके गांव के किनारे सड़क में दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 50 रही होगी, तो जनवरी 2022 में 50 से बढ़कर 100 हो गई होगी, फरवरी में बढ़कर 100 से 200 हो गई होगी। कारण क्या था जानते हैं? कारण यह था कि नौजवानों के मन में विश्वास था कि 10 मार्च 2022 को एक नई सरकार बनेगी, और उस नई सरकार के मुखिया अखिलेश यादव होंगे। उन्होंने कहा है नौजवानों, 10 मार्च के बाद दौड़ के आगे आ जाना, केवल लिखित परीक्षा पास कर लेना, सरकार हमारी होगी। तुम्हारे शरीर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी देकर तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस सवाल पर नौजवानों के मन में विश्वास था। सरकार नहीं बदली, जनता का जो निर्णय हुआ हम लोगों ने स्वीकार किया। 10 मार्च के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सोशल मीडिया पे कोई नौजवान सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ, ट्रोल, तो उस नौजवान का नाम धर्मेंद्र सोलंकी था। मेरे मां बहन की गालियां तक दी गई टेलीफोन करके। 25 मार्च का दिन था, मैं लखनऊ था, अपने नेता, देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने गया था। भीड़ कम थी, मैं पार्टी कार्यालय के अंदर था, हमारे नेता, आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, गाड़ी लगी, बुलवाया अंदर उन्होंने, मैं सामने खड़ा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामने खड़े थे, कहे सोलंकी बताओ कैसे आना हुआ। आंखों में पानी था, नजरों से पानी गिर रहा था। कारण था साथियों, 9 महीना ये ज्योति भी गवाह है, आपके जनपद की ये छोटी बहन जो लगातार 5 महीना हम लोगों के साथ चली थी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के काफिले में, 9 महीने में मुझे लग रहा है 4 दिन भी हम लोग घर नहीं गए थे, 4 दिन लगातार अपने नेता के साथ आगे आगे चल रहे थे। अगर वो हेलीकॉप्टर से दिन भर में 5 सभा करते थे, 7 करते थे, तो हम लोग 4 व्हीलर से दिन भर में 3 से 4 सभा करते थे। मैं सामने खड़ा था, कहे सोलंकी क्या है बताओ, आए क्यों? नजरों से पानी गिर रहा था,
मैं रो रहा था उनके सामने खड़ा होकर, मेरे कंधे पे हाथ रखा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और कहा सोलंकी घबराना मत, राजनीति में सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, एमपी एमएलए बनते हैं एमपी एमएलए बिगड़ते हैं, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन ये इनकलाब जो तुम्हारे प्रकोष्ठ के लोगों ने पैदा किया है ये इनकलाब रुकना नहीं चाहिए, ये इनकलाब अनवर चलना चाहिए। मैं नमस्ते किया और चल दिया अपने घर। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मैं अपने घर जाता हूं, लखनऊ से आजमगढ़ उतर के देवरिया चला जाता हूं। मैं सुल्तानपुर क्रॉस किया था, सुनिए गाना, मैं सुल्तानपुर क्रॉस किया था, तब तक एक सरकारी पार्टी के नेता का फोन आया, मैंने फोन उठाया, इतनी खराब भाषा का उपयोग किया साहब, इतनी गंदी बात इतनी खराब भाषा में बोला कि मैं वो बात आपको इस मंच पे नहीं बोल सकता। हमने कहा साहब क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो कहा अब कहे नहीं गा रहे हो अखिलेश यादव का गाना। 15 दिन बीत गया, रोज गाते थे सुल्तान बदलने वाला है, रफ्तार बढ़ने वाली है, कहे नहीं गा रहे हो। हमने कहा कल गाने जा रहा हूं। कहा अब क्या गाओगे, क्या बचा है तुम्हारे पास। हमने कहा ओ सुन, ये तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या गाऊंगा क्या नहीं गाऊंगा, कल गाने जा रहा हूं और 2 दिन बाद सुनना मैं गा क्या रहा हूं। चुनाव के बाद पहली गीत हमने गाया था, क्या गाया मास्टर, चुनाव के बाद पहला गाना गाऊंगी, क्या गाऊंगी मास्टर, जबलबाजन यही भले बाजन यही दिलवा में बसल उनका दिल रही है, और ये लाइन तय करेगी कि आप कितना देर सुनेंगे समाजवादी गीत। केवल यही बंद करेंगे अब सुनना कि एक लाइन और सुनेंगे, अगली लाइन पर आपकी तालियां और हमारा हौसला अफजाई करना साबित करेगा कि 2 लाइन और सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये देखिए पहली लाइन पे हमने गाया क्या था, जबले बाजन यही दिलवा में बसल उनका दिल रही है, जिंदाबाद अखिलेश साई की रही है, वो जिंदाबाद अखिलेश साई की मिल रही है, वो जिंदा एक दिन हम बिरहा गा के आ रहे थे सोनभद्र से, जब सोनभद्र से बनारस आएंगे तो रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मारकुंडी पहाड़ी, और मारकुंडी पहाड़ी पर एक जगह है जिसका नाम है लोरिक पत्थर, जहां 2 टुकड़ा में पत्थर है लोरिक ने अपने तलवार से काटा था। सुबह का टाइम था 5:30 बज गया, हम लोग वहीं रुके थे, हमारे टीम वाले कहे कि नेताजी चाय पी लिया जाए ना तो खराई हो जाए दिनों को बिरहाबा, तो हम कहे कहां चाय पिलाए। अब गाड़ी थोड़ा दूर आगे बढ़ाए तो एक दुकान थी जिसपे लिखा था यादव टी स्टॉल पहाड़ पर। हमने कहा ऐसे बढ़िया कोनो सुरक्षित जगह ही ना हो सकेला चाय पिया खातिर, अच्छा तो गाड़ी वहीं रोक दिया, इन लोग से कहा कि आप लोग चाय पीजिए हम जरा फ्रेश होके आ रहे हैं। इन लोग चाय पीने लगे, मैं फ्रेश होने चला गया, 5 मिनट में आया हाथ हाथ वगैरह धुल के मैं भी एक कप चाय लिया पी रहा था। तब तक 20 लड़के दौड़ के सुबह सुबह जो लड़के दौड़ते हैं भर्ती वाले, 20 लड़के दौड़ के जा रहे थे, हमको देखे पहचान गए आके घेर लिए, फोटो वोटो खिंचवाने लगे। हमने कहा भैया चाय पी लीजिए, वो कहे चाय नहीं पियेंगे घर जा रहे हैं, बादाम पीस के रखा है, कहे गिलास लिया जाएगा। हम कहे अच्छी बात है, तो हम कहे भैया तू लोग जा हम लोग जात है, कहा से ना भैया तू जा हम रोकता ना है, लेकिन निवेदन हो। हम कहे कैसा निवेदन, आता है नया गाना गा दो। हम कहे भाई हम रोजे नया गाना गाई ना, मैटर पर कौन नया गाना गाई, आ तो एक गाना और नया गाइए।
हम गली कवन गाना तो लइकवा कहला से एगो नया नौकरी आइल बा 4 साल वाली। अरे 4 साल वाली एक नई नौकरी आइल है, तनी वो नई नौकरी पर गाना हो जाओ। हम गली काहे हमसे गवाओ तब लोग तो कहला से तू ना गईबो तो केहू गईबे ना करी। नौजवानों ने कहा एक नई नौकरी आई है 4 साल वाली, इसमें एक गाना गा दीजिए। अच्छा मैं घर आया, घर आकर के कबीर जी से कहा कबीर जी एक नया गाना लिख दीजिए 4 साल वाली नौकरी पर। कबीर जी ने लिख दिया, हमने गा दिया। और गाने के दूसरे दिन मैं बरेली था, अपने पार्टी के कार्यक्रम में बरेली से लखनऊ आ रहा था, शाहजहांपुर जो क्रॉस किया तब तक पार्टी के नेताओं का फोन आ गया, सोलंकी भाई क्या गा दिए यार, नोटिस ले लिया गया है। हमने कहा क्या गाया भैया, नोटिस ले लिया गया है, या तो आपने कुछ गलत गा दिया है, नोटिस ले लिया गया है। हमने कहा जरा वीडियो भेजो जिसमें नोटिस लिया गया है। अब वीडियो लोग भेजे, हमारे हिसाब से तो गलत था नहीं, प्रशासन ने कहा नोटिस ले ली गई। हमने कहा अगर ऐसे गाने पर भी नोटिस आप लोगे तो मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, मैं रोज ऐसा गाना गाऊंगा, आपको जितना नोटिस लेना हो लेते रहो, हमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा हम गलत क्या गाए थे तनी सुनिया लोग, बढ़िया लागी सही लागी तो स्वागत चाहब, अन्ना सही लागी तो हम लोग बताइए लोग नोटिस लायक गाना बा कि ना। 4 साल की नौकरी पे हमने गाया, गलत क्या था साहब, क्या गाया था? अरे कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। सही लगी तो समर्थन जाओ ताली ना, हमारे हिसाब से इस समर्थन हुई का समर्थन, समर्थन ताली के रूप में हुई, बात सही लगी तब। कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। और बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाबूजी 60 साल वाला नौकरी में अबे खटा था ना, बेटा 4 साल वाला में हर समय हर समय। अरे वाह भैया कहा हो, अदर रिटायर हो गए ले पिंसीना तो मोदी जी बंद कर दिया। एक दिन जहाज में 3 लोग जा रहे थे, 3 लोग, एक चीन का था, एक जापान का था, एक इंडिया का था। जहाज आसमान में उड़ गई 10 मिनट, तब तक चीन वाला बोला कि मैं डॉक्टर हूं, हमने एक आदमी का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करके किडनी बदल दिया, और जो ही किडनी चेंज करके टाका लगाया उसके 1.5 घंटा के बाद वो आदमी खड़ा होकर काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। इंडिया वाला कहा कि फेंक रहा है, लेकिन हमारे वाले से भी ज्यादा फेंक रहा है। कह रहा है जो किडनी लगा के टाका लगाया 1.5 घंटा के बाद काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अच्छा आधा घंटा बीता तब तक जापान वाला कहा मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने भी एक आदमी का ऑपरेशन करके लीवर चेंज कर दिया, जो टाका लगाया वो 20 मिनट के बाद काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। अरे अब इंडिया वाला कहा है मैं फटकवा खुल जाई जहाजिया का, तो हम कूद जाती है दू को गप्पी का सारे करीब बहन की बैठ गल बना सा किनारे। वो कहा था हमने जो टाका लगाया किडनी चेंज किया तो 1.5 घंटा में काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। ये कहा था हम जो लीवर चेंज किया 20 मिनट में काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया। डाटा बड़ी तेज इंडिया वाला, कहा खबरदार चुप रहो, बहुत होशियार बनते हो, बहुत तरक्की कर लिया तुम, हम लोगों से ज्यादा होशियार हो। तुमने किडनी चेंज किया तो 1.5 घंटा में काम धंधा ढूंढा, तुमने लीवर चेंज किया तो 20 मिनट में काम धंधा ढूंढा। अरे हम इंडिया वालों ने, हम लोगों ने इंडिया में न किडनी चेंज किया न लीवर चेंज किया, हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया। अब आप लोग समझिए, हम नाम नहीं रखते हैं उनका, जो नाम रखे एक मुकदमा जाऊ। कहा हम लोगों ने इंडिया में केवल एक आदमी चेंज किया, आज पूरा इंडिया काम धंधा ढूंढना चालू कर दिया, पूरा इंडिया।
आसपुर देवसरा तो पूरे इंडिया में नाम प्रचलित हो गया। आसपुर देवसरा केवल प्रतापगढ़ में नहीं चर्चित है, भारत का कोई कोना नहीं होगा। और गारंटी के साथ कहता हूं, आप नाराज मत होइए, मैं नहीं जानता किस जात धर्म के लोग बैठे हैं, सर्व समाज की बात कर रहा हूं। आसपुर देवसरा भारत में जहां बैकवर्ड जात है और जहां तक बैकवर्ड शेड्यूल क्लास के लोग हैं, वहां तक आसपुर देवसरा को जाना जा रहा है एक व्यक्ति के नाम से। ये गया कवि जी गवाह है। परिस्थितियां इंसान के विपरीत कभी कभी होती है। एक गाना हमने गाया था कि बीरवा छोड़ी ना ही कब्बो बीरताई मितऊ। इसी आसपुर देवसरा का एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नाम की चर्चा पूरे देश में थी, संकट में जब व्यक्ति होता है तो गया कवि ने हमसे कहा कि आज दुर्दिन में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाने के लिए एक गाना होना चाहिए। हमने सबसे कह दिया, किसी ने नहीं गाया। हमने कहा आप क्या चाहते हैं? गया कवि ने कहा कि हमको एक गाना उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ाने के लिए चाहिए। हमने गाया था, आप सब सुने होंगे उस गीत को, और उस गीत ने उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला दिया। और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, हमारा और आपका भाईचारा अगर कायम रहेगा तो सरकारें हमको और आपको कभी हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। ये एक मुश्त एक भाईचारा कायम रहे, ये समाज का संदेश देने के लिए आया। एक लाइन एक गीत, उसके बाद हमें आपके बीच में सटे भी रहा सुना दूंगा। 10 मार्च को सरकार नहीं बनी थी और 10 अक्टूबर को इस धरती से एक महामानव का जाना हो गया, जिसे दुनिया माननीय मुलायम सिंह यादव कह रही थी। 10 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़ के स्वर्गवासी हो गए। मैं 9 तारीख को लखनऊ था साहब, और 10 को हम लोग वेदांता जाने की तैयारी में थे। 10 अक्टूबर को हम लोग वेदांता जाने की तैयारी में थे नेताजी को देखने के लिए। इतनी बारिश हो रही थी साहब, शीशा भी नहीं दिखाई दे रहा था वाइपर चलने से। और 9:30 बजते खबर आ गई कि माननीय नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये लगा कि लखनऊ में दाह संस्कार होगा नेताजी का, डेड बॉडी आएगी लखनऊ, लेकिन खबर आ गई कि नहीं, नेताजी की डेड बॉडी पार्थिव शरीर सैफई जाएगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं साथियों, बड़ी बात कह रहा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं। पढ़े लोग लिखे लोग बैठे हो इसको समझना, जिस दिन नेताजी खत्म हुए, आप देखना अमर उजाला का लेख, आप देखना न्यूज 18 पर, मैंने चैनल पे कहा था कि फिर कभी भारत की धरती पर देश जब सांप्रदाय के आग में जलेगा तो अपने आप को दांव पर लगाकर इस देश को बचाने वाला फिर भारत में दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हो सकता है। ये सवाल हमने कहा था आपके बीच में। नेताजी नहीं रहे और नेताजी के अंतिम जनाजे में भारत के राजनीति में कोई आज तक राजनेता नहीं होगा जिसके अंतिम यात्रा में उतनी भीड़ हुई होगी जितनी भीड़ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम यात्रा में थी। ऐसा हम लोग तो सैफई में ही थे, 5 दिन बीत गया, कोई कलाकार नहीं बचा जिस कलाकार ने नेताजी के श्रद्धांजलि न गाया हो, नेताजी के श्रद्धांजलि के रूप में सबने गा दिया था। और तब मेरे पास लगातार टेलीफोन, सोलंकी आप नहीं गाए? हमने कहा साहब सैफई हूं, घर जाऊंगा गा दूंगा। 7वें दिन आया, स्टूडियो में था, मुझे बोल नहीं जा रहा था। भारत की राजनीति में किसी गायक के सर पे सबसे ज्यादा बार हाथ अगर मुलायम सिंह यादव का किसी गायक के सर पे पड़ा होगा तो सौभाग्य से वो सौभाग्यशाली गायक मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं। जब मैं गाया तो सब लोगों ने गाया कि नेताजी स्वर्गवासी हो गए, नेताजी चले गए, नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। हमने कहा ठीक है, आप सबने गाया, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है। हमने एक गीत गाया, समर्थन आपका चाहूंगा इस लाइन पर। आज भी जिंदा है नेताजी, आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। और समर्थन चाहूंगा, अगर इतनी सी भी मोहब्बत होगी आपके कलेजे में, इतना सा भी अगर मोहब्बत होगा
अपने नेता के प्रति, तो अगली लाइन पर आपका समर्थन चाहूंगा। दोनों हाथ उठा के ताली अगली लाइन पर, अगर समर्थन में होंगे तब। आज भी जिंदा है नेताजी, हमने कहा नेताजी कहीं नहीं गए। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है, हम सबके लिए तो, हम सबके लिए तो अखिलेश ही मुलायम है, हम सबके लिए तो। एक लाइन और हमने गाया, दो ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। हमने कहा इस धरती पर केवल दो पुत्र हुए, दो सुनना ये बड़ी बात है। प्रतापगढ़ वालों साथियों, सुनना ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक मंच से किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात कहना, वो भी विपक्ष में खड़ा होकर, शायद आपको नहीं पता, वकील के भेष में बदमाश आ रहे हैं, कोट पहन के, पुलिस पकड़ी हुई है, दो हमारे भी वकील है, दो एक्स्ट्रा वकील आ गए, कब निकाले, कब सटाए, कब मार दिए, पते नहीं चल रहा। लाइन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये अच्छे प्रशासन की बात हो रही है। आप बताओ, एक दिन हमारे घर भी चला गया लेखपाल, फीता डंडा लेके, माई हमारे कलस कहाँ आते, न पाई माई कलस उनके, ना कुछ है ही नहीं, ना पापा कहते। हमने कहा दो ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। हमने कहा इस धरती पर केवल दो पुत्र हुए, लाइन सही होगी तो तालियां चाहूंगा। दो ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम, और गंगा पुत्र भीष्म के बाद से धरती पुत्र मुलायम। नेताजी की बगिया अडिगी अनंत कायम है, हम सबके लिए तो अखिलेश ही मुलायम है, हम सबके लिए तो। एगो नया गाना आइल बा, इहो विवादे छिड़ल बा, पांच दिन भइल गौले हैं, का गौले हैं मास्टर। रोज रोज नया नया करता ले खेला, अरे देश का पनौती वाले गुरु अवरी चेला, अरे लोग समाज गई इनका उद्देश्य हो जाए।